हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ये ओप्पो का एनको बर्ड्स 2। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। पहले मैंने वन प्लस नॉर्ड बर्ड्स का मैंने ये अनबॉक्सिंग किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको एनको बर्ड्स 2 को अनबॉक्सिंग करूँगा और इन दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सी अच्छी है। प्राइस इसका तो मैंने करीब आपने देखा होगा, मैं 1800 में ख़रीदा था। अभी तो इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये वाला मुझे थोड़ा सस्ते में मिल गया। ये करीब मुझे 1500 में मिला ड्यूरिंग ऑफ़र। तो इसका जो प्राइस यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है 3999। बट ये मुझे 1499 में मिला। इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, वो एक बॉड्स दोनों है और यूज़र गाइड है और ईयर टिप्स है, स्मॉल मीडियम लार्ज। और मीडियम इसमें लगा हुआ आता है और लार्ज और स्मॉल उसमें इंक्लूडेड है। इसका जो फीचर्स यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है 28 आवर ऑफ लिसनिंग टाइम, 10 mm टाइटनाइज डायफ्राम ड्राइवर एंड एनको लाइव स्टीरियो साउंड इफेक्ट्स, AI नॉइज कैंसिलेशन फॉर ओनली फॉर कॉल्स नॉट फॉर ऑल, डबल टैप टू कंट्रोल कैमरा एंड और ब्लूटूथ 5.2 एनेबल्ड है, ठीक है। तो इसमें भी करीब सेम चीज़ है, लेकिन जो साउंड क्वालिटी मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में साउंड क्वालिटी किसका अच्छा है। तो पहले इसको खोल लेते हैं, इसका देख लेते हैं इसका अंदर क्या है। इसका इमेज ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओप्पो एनको और इस तरह का आएगा इसका बोर्ड। लेकिन इसका जो बोर्ड होता है राइट, ये आईफोन ये बिल्कुल मैं इसको यूज कर रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल एयरपॉड्स की तरह दिखता है। लेकिन इसका जो है यहाँ पे ऊपर इसका दिया होता है ये रबर टिप दिया था, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको खोलते हैं, देखते हैं। तो इसके अंदर से देखिए, मैंने इसको ओपन किया था इसलिए वो मैं आपको इसे यूज मतलब कस्टमाइज करके साउंड प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इनको ये ब्लैक कलर का मैंने ऑर्डर किया था ओप्पो का, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है ओप्पो, ठीक है ओप्पो। और इसके पीछे कुछ तो ये मेंशन है, इसका स्पेसिफिकेशन डिजाइन स्पेसिफिकेशन। इसका ये बर्ड्स में देखिए, यहाँ पे एक ग्लॉसी फिनिश है, दोनों साइड मैट फिनिश है, बट बीच में ये ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है। नीचे इसका जो चार्जिंग पॉइंट है टाइप सी है और यहाँ पे चार्जिंग लाइट है, चार्ज लाइट जलता है। इसका अंदर का अगर प्रोफाइल देखेंगे, अंदर देखिए कैसे स्काई ब्लू कलर का है डिजाइन, और ये दोनों इंक्लूड आपका ईयरबड्स ये दोनों है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला दोनों ईयरबड्स हैं। नीचे इसका जो चार्जिंग होता है ये है, ये आप जब इसके केस के अंदर डालोगे तो ये चार्ज हो जाएगा। तो ये केस में आप इसमें आप करीब मेरे हिसाब से मैंने जो सुना करीब 7-8 आवर्स तक ये चलेगा कंटिन्यूसली, उसके बाद चार्ज खत्म हो जाएगा। और इस और ये केस के थ्रू और ये केस के थ्रू आप इसको 2.5 टाइम्स इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर देखिए ये टिप लगा हुआ है और ये कान में अच्छे से फिट हो जाता है। मैं भी इसमें सुनता हूँ आपको, मतलब ये लूज़ नहीं होता है जैसे ये वन प्लस का बोर्ड जैसे लूज हो जाता है, लेकिन ये वाला ऐसे लूज़ नहीं होता है, तो थोड़ा अच्छा है। और ये देखने में मतलब सही है। और इसके ये ऊपर देखिए टच प्रोफाइल, यहाँ पे आप टच करके आप कंट्रोल कर सकते हो। डबल टैप करोगे तो कैमरा ओपन होगा इसका, और कॉल आप एक्सेप्ट करने के लिए भी डबल टैप करना पड़ेगा आपको। और ऐसे कुछ बेसिक फंक्शंस आप इसके थ्रू कर सकते हो। इसके जो बुकलेट में सब मेंशन है आपको क्या करना है, मतलब क्या करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेंशन है बाकी सब, ठीक है। ये कनेक्ट करने के बाद आपको एक सिंगल टैप है, डबल टैप है, ट्रिपल टैप है, टच एंड होल्ड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ट्रिपल ट्रैक करोगे तो प्रीवियस ट्रैक होगा लेफ्ट वाला और राइट वाला में नेक्स्ट, और डबल टैप करोगे तो ये दोनों में ट्रिपल ट्रैक करोगे तो प्रीवियस होगा नेक्स्ट ट्रैक, डबल टैप करना पड़ेगा। एंसर कॉल करो, एंसर करो डबल टैप करके कॉल को, फिर प्ले पॉज एक बार टैप करके करो। वॉल्यूम आप प्रेस करके ऊपर उठाओगे, होल्ड करके वॉल्यूम बढ़ेगा और प्लस होगा, लेफ्ट वाले में माइनस होगा, राइट वाले में प्लस होगा। आप इसका
कैमरा भी एक्सेस करते हो कर सकते हो कस्टमाइज करके, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक फंक्शन। तो अब आते हैं कि इन दोनों में से कौन अच्छा है। प्राइस बराबर था, लेकिन इसका अभी प्राइस थोड़ा कम हो गया, इसका अभी तो बढ़ गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये साउंड क्वालिटी इसका अच्छा है आज कंपेयर टू वन प्लस, क्योंकि मैंने सुना है दोनों में, और साउंड क्वालिटी इसमें आपका मिड और लो थोड़ा अच्छा सुनाई देता है। बेस भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें बेस कम है, लेकिन साउंड क्वालिटी इसमें अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आपको साउंड क्वालिटी चाहिए आप ले सकते हो, लेकिन कॉल क्वालिटी ये वन प्लस में कॉल और माइक क्वालिटी अच्छा है। अगर आपको कॉल और माइक के लिए चाहिए तो आप ये ले सकते हो, अगर म्यूजिक के लिए चाहिए तो आप ये ले सकते हो, और कान में फिट ये ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें रबर टिप नहीं होता, इसमें होता है। तो ये था बेसिक इसका फंक्शनैलिटी। अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाके खरीद सकते हो। अभी तो ऑफ़र चल रहा है, करीब करीब हर एक दो महीने में आ जाते हैं ऑफ़र, आपको वही 1500 और कार्ड डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। अगर आपका बजट 2000 के नीचे है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये एनको बड्स 2 ले लीजिए, अच्छा रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।